आप देखिए ना, ये तो आप भी समझते हैं कि भारत के लिए पाकिस्तान दुश्मन मुल्क है, वहाँ से आप आई हैं, इलीगल आई हैं, और उसमें तमाम सवाल हैं। एटीएस ने आपसे इंग्लिश में कुछ पढ़वा के भी दिखाया सर? जैसे दो तीन चीज़ें होंगी, ऑलवेज हो गया, आसान आसान लफ्जों के मुझे मतलब पता है, पूरी अंग्रेजी मुझे नहीं पता। जैसे ऑलवेज हो गया मतलब हमेशा, जैसे गुड हो गया कि सही, इस तरह चीज़ें मुझे पता है और मैं बोल भी लेती हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं पूरी अंग्रेजी पढ़, अगर आप लिखा पेन से लिखा हो मुझे अंग्रेजी देंगे मैं नहीं पढ़ पाऊँगी। हाँ, अलग अलग जो शब्द होते हैं मैं उनको समझ सकती हूँ, समझ है मुझे। तो कैसे सीखा आपने मतलब? ये मैं पढ़ाई कर दी सर गाँव में। अच्छा। हमारे सरकार की तरफ से ही पढ़ाया गया था सर, मैंने वहीं से पढ़ा। और मेरा होशियार थी सबसे, हम तीनों बहनें पाँच पाँच पढ़ी, ज़्यादा नहीं पढ़ी, पर हमको समझ है। एक चीज़ की समझ हो जाए फिर सर पढ़ना आ गया, आसान हो जाता है। तो मुझे वो समझ थी, और मैं टीचर मुझे कहती हुई देखिए सीमा। आप कराची में रहती थी ना? नहीं, मेरा बचपन खैरपुर मीरस गांव में गुजरा, मैं शादी के बाद कराची आई। जी सर। पर हो चंदन की हाँ जी बोली जेका आए सिंधिया, वो खैरपुर वारी कौन आए? खैरपुर में सिंधी गलाए विंदवा था, पर तांजी बोली, तांजी बोली जेका आए कराची वारी वधिक थी लगे। कराची असा मुझे मामे जो घर कराची में होयो, असा अचवन हुंदो, मुझे अम्मी भी अग में आई, और असा अचवन हुंदो के 2 महीना रहया फिर गोठ वापस मुसलसल कराची में शादी खपो मार रही सर। जी तो उतो उनका पहली था खैरपुर में आया, खैरपुर मीरस हां सिंधी इलाको आ, सिंधी ही लैंग्वेज खैरपुर में। केरो गोठ कोट डीजी, कोट किलो मशहूर आ, तो गवर्नमेंट की दूरी ते आ, वो मशहूर आ। सिंधी भाषा, सिंधी लैंग्वेज इंज लाई इंदी आ, सिंध में घणी सिंधी सिराइट की ही गलाई वेंदी आ। उर्दू तो कराची में आ, उर्दू तो फिल्म ड्रामा ॾिसी भी सिखी वेंदा आहियूं असां, तो घणी मां फिल्म ने ड्रामन का उर्दू सिखी आहे, कराची घटि विया आहियूं। हाणे कराची शिफ्ट थियण खां पोइ दुकान वारो बि, खंड विकिणण वारो बि उर्दू ॻाल्हाईंदो, कराची में आहे उर्दू शहर। तो ये हम अपने दर्शकों को बता दें, ये सवाल ये पूछा गया मेरी तरफ से कि आप बता रही हैं कि आपका बचपन खैरपुर में बीता, बिल्कुल, तो आपकी भाषा जो है वो खैरपुर वाली नहीं लगती है, ये सिंधी खैरपुर में ही बोली जाती है सर, और कराची वाली लगती है। तो आप कह रही हैं कि ये आप खैरपुर में जो इनका गांव है वहाँ की भाषा है, इस वजह से आप ऐसे बोलती है। ये सवाल आते इसलिए उठ रहा है क्योंकि वहीं से, जैसे पाकिस्तान से ही ना, कई लोग बोलने लगे कि ये तो पाकिस्तान की है ही नहीं, ये सिंध की है ही नहीं, ये खैरपुर की है ही नहीं, बिल्कुल सर। और अच्छा, दूसरी चीज, आपके भाई और चाचा पाकिस्तान आर्मी में, ये आपने बात छिपाई? सर जहाँ मुझे बोलना था मैंने वहाँ सच्ची बोला, ठीक है सर। और रही बात, चाचा मेरे पैदा होने से पहले थे, और जो भैया हैं जब हमारी बात होती तब वो मजदूरी पे जाते थे, इनको भी पता है, वो 12वीं पढ़े थे कराची में, किसी के लिए कराची में क्या, पूरे पाकिस्तान में ड्यूटी 6 लाख 12 लाख के अलावा सरकारी जॉब नहीं मिलती सर, एक ये फौज की ड्यूटी है जो कद और बॉडी के कारण सबको मिलती है। तो अभी 2022 के बिल्कुल एंड में अब्बू की डेथ होने से 2 महीने पहले ही वो हुए थे, तो उससे मेरा कोई संबंध नहीं सर, मैं शादीशुदा थी, मैं अलग थी उन सब से, मैं अगर कुंवारी होती उनके साथ रहती तो मुझे जोड़ा भी जाता मानती हूँ, पर अब तो मैं शादीशुदा अलग थी,